भूले बिसरे यादों की वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम कितने ही मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, पर हम अपने बचपन की बातों और बचपन की चीजों को कभी नहीं भूल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही दिखाने वाले हैं जो आपको आपका बचपन याद दिला देगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहो और पहचानो उन चीजों को जो बचपन में आपको सबसे ज्यादा पसंद थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये क्या है? दोस्तों, ये है लट्टू। बचपन में इसको घुमाने में बहुत मजा आता था। क्या आपने भी इसको बचपन में घुमाया है, हमें कमेंट जरूर करें। हमारी लिस्ट में अगला वेपन ये रेजर लाइट है। इसमें रखे छोटे छोटे लाइट लेंस इसको और भी खतरनाक बनाते हैं, जो 90s के किड्स का सबसे पसंदीदा वेपन था। दोस्तों, पढ़ाई लिखाई तो सभी करते हैं, पर असली पढ़ा लिखा वो माना जाएगा जिसने इसमें लिखा हो और इसका नाम बता सके। तो दोस्तों, जितने भी 90s के किड्स हैं, हमें कमेंट करें इसका नाम। इसको देखकर आजकल के बच्चे इसको वाईफाई राउटर समझ रहे होंगे, पर इसकी असली कीमत वही जानता होगा जिसने इसके लिए घर वालों से मार खाई हो। तो दोस्तों, आजकल के बच्चों को बता दो, ये एक वीडियो गेम है। तो दोस्तों, क्या आपने भी इस वीडियो गेम के चक्कर में अपने घर वालों से मार खाई है, हमें कॉमेंट बॉक्स से कॉमेंट जरूर करें। बढ़ते हैं आगे की ओर। इसका नाम तो आपको पता ही होगा दोस्तों, ये टिकटॉक है। ये वो टिकटॉक नहीं जो आप समझ रहे हो, बल्कि इसका नाम टिकटॉक है। इसी का नाम कॉपी करके टिकटॉक आया था, पर इसकी जगह कोई ना ले सका। आजकल के कुछ दोस्त इसको वीडियो गेम समझ रहे होंगे, पर इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या बोलोगे? इसके पावर को देखकर आपको क्या लगता है? 90s के किड सिर्फ लट्टू नहीं फिराते थे, वो बॉम्ब भी उड़ाते थे। ये है फुल्ली ऑटोमेटिक गन। ये इतना खतरनाक है कि पलक झपकते ही सारे डक को मार देता है। बस आपका निशाना सही होना चाहिए। क्यों दोस्तों, इसको देखने के बाद आपको कुछ याद आया? मेरा मंत्री कौन, चोर सिपाही का पता लगाओ, ये गेम तो हर 90s के किड्स ने खेला होगा। और कई बार इस गेम को खेलने के चक्कर में आप अपने क्लास टीचर से भी मार खाए होंगे। तो दोस्तों, इस गेम में आप ज्यादातर क्या बनते थे, मंत्री या चोर, हमें कमेंट करना ना भूलें। अब आप बोलोगे ये तो एक गुल्लक है, पर ये 90s के किड्स का बैंक है। अब आप बोलोगे बैंक है तो इसका डेबिट कार्ड कहाँ है? तो दोस्तों, ये है इसका डेबिट कार्ड। अब पिन नंबर मत पूछना, क्योंकि हमसे बेहतर आप जानते हो इसके पिन नंबर के बारे में। ये छोटे छोटे अंगूर जैसे दिखने वाले चीज क्या है, आप बता सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, ये एक आई ड्रॉप है, उस जमाने के जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे। इसको देखकर मुंह में पानी आ गया होगा। आजकल के बच्चों के पास खाने के बहुत सारे ऑप्शन है, पर हमारे पास इतना सारा ऑप्शन नहीं था, पर ये अंकल कैंडी को बहुत सारे ऑप्शन बना देते थे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ भूले बिसरी यादों की ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं इस वीडियो की आगे की ओर। आजकल तो कितना ऑप्शन है, चाहे टीवी देख लो या मोबाइल, सब कुछ डिजिटल है। पर पहले के बच्चों को इसी से काम चलाना पड़ता था। पर क्या आपने भी ये वाइस्कोप देखा है, हमें कमेंट जरूर करें। साइकिलिंग करना आजकल की जनरेशन का मानो एक फैशन बन गया है, पर पहले की साइकिलिंग का एक अलग ही मजा था। क्या आपने भी साइकिल चलाना ऐसे ही सीखा है, हमें कमेंटों से कमेंट जरूर करें। आजकल के बच्चों के पास भले ही खेलने को बहुत कुछ है, पर 90s के किड्स का सबसे पसंद किया जाने वाला खेल था, जिसका नाम पिट्ठू है। दोस्तों, वैसे तो ये लड़कियों का खेल है, पर 90s के लड़के भी इस खेल को बहुत पसंद किया करते थे। तो जिन दोस्तों ने इस खेल को खेला है, वो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स से कमेंट करना ना भूलें। अब बात कर लेते हैं उस खेल का जो 90 के दशक का हर बच्चा खेला है। इस खेल में आपस में रेस लगती थी। क्या आपने भी इस रेस में हिस्सा लिया है और कितनी बार जीता है, हमें कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर करें। स्प्राइट, कोक, पेप्सी तो आज सभी पीते हैं, पर क्या आपने कभी इसको पिया है, जो 90 के दशक का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा कोल्ड ड्रिंक था, जिसके आगे आज की सारी कोल्ड ड्रिंक फैल है। दोस्तों, बारी आती है अब हमारी लिस्ट के आखिरी गेम की, जो सबसे डेयरिंग गेम है। ये वो गेम है जो 90 के दशक के बच्चे अपनी जान हथेली पर रखकर खेलते थे। आजकल के बच्चे अगर उनको थोड़ा सा भी चोट लग जाए तो वो रोने लगते हैं, पर पहले के डेयरिंग बच्चे कुछ भी हो जाए, चाहे कितने भी चोट लग जाए, बस वो धूल साफ करके खेलने लगते थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये वीडियो? उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को कम से कम अपने बचपन के 10 दोस्तों को शेयर करें और उनको उनका बचपन याद दिलाएं। हम जल्दी ही इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद।